क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले मान लेंगे f x इक्वल टू sec x, ठीक हो गया। अब लिखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का, फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफिनेशन फार्मूला होता है f डैश x इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू जीरो f x प्लस h माइनस f x अपान h, ये डिफिनेशन होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, लिमिट s टेंड्स टू जीरो या लिखेंगे sec x प्लस h माइनस sec x अपान h, जहां x है वहां पर x प्लस h लिखा, ये सेम रहेगा sec x। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो इसको हम लिख सकते हैं अपान h है तो अपान h को हमने ऐसे लिख दिया अपान h। अब इसको लिख रहे हैं वन अपान cos, वन अपान ऐसे लिखेंगे वन अपान कॉस यक्स प्लस यक्स माइनस वन अपान कॉस यक्स, हो गया। फिर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंड्स टू जीरो, वन अपान यक्स है तो वन अपान यक्स वैसे ही रहेगा। इसमें देखो कॉस यक्स और कॉस यक्स प्लस यक्स कॉमन एलसीएम हो जाएगा, कॉस यक्स और कॉस यक्स प्लस यक्स एलसीएम हो जाएगा और ये कॉस यक्स इधर आ जाएगा माइनस और ये कॉस यक्स प्लस यक्स उधर चला जाएगा। ठीक है, यहां पे समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लिमिट यक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन यक्स सेम वैसे ही रहेगा। और यहां पर देखो एक चीज और आ गया, कॉस यक्स है जो यक्स टेंड टू जीरो, लिमिट यक्स टेंड टू जीरो वहां लगेगा जहां पर यक्स रहेगा और जहां पर यक्स नहीं रहेगा वहां पर यह लिमिट, ये लिमिट यक्स टेंड टू जीरो नहीं लगेगा। तो ये कॉस यक्स है ना अपान कॉस यक्स है वो बाहर हो जाएगा, ये कॉस यक्स बाहर हो जाएगा। इसको हम पा रहे हैं वन अपान कॉस यक्स लिख रहे, वन अपान कॉस यक्स मतलब हम इसको लिख रहे सेक यक्स, सेक यक्स ये वन ऊपर न्यूमरेटर में वहां पर जहां पर यच रहेगा। तो लिमिट यच टेंड्स टू जीरो, अब यहां देखो वन अपान यच है, ये हमने पहले लिख दिया। अब इसमें देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है यहां लिख दे रहे हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है, समझा दे रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी अपान टू इंटू टू साइन सी प्लस डी अपान टू इंटू साइन डी माइनस सी अपान टू। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू है, ये इंटू है साइन डी माइनस सी अपॉन टू, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू होता है। तो ये फार्मूला लगा रहे टू साइन सी प्लस डी मतलब क्या है, यह यक्स और प्लस यक्स प्लस यच अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी, डी मतलब ये सी है या डी है, ये सी है या डी है, तो ये डी डी माइनस सी होता है। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस यक्स माइनस यक्स अपान टू, हो गई। और नीचे बचा आइए कॉस यक्स प्लस यच, कॉस
यक्स प्लस यच बचा है। अब ये सेक यक्स बाहर हमने किया है, लिमिट यच टेंस टू जीरो वन अपॉन यच टू, ये हो जाएगा साइन टू यक्स प्लस यच अपॉन टू, और ये साइन हो जाएगा यक्स यक्स कैंसिल हो गया, ये यक्स यक्स कैंसिल हो गया तो बचा यच अपॉन टू, यच अपॉन टू, और नीचे बचा कॉस यक्स प्लस यच, ये बचा कॉस यक्स प्लस यच। अब साइन यच अपॉन साइन, अब आपको पता होगा साइन यच अपॉन यच लिमिट यच टेंस टू जीरो साइन यच अपॉन यच वन होता है, लिमिट यच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू वन होता है, तो ये यच यच अपॉन टू है, ये यच है तो ये नीचे यच है तो ये इसके नीचे आएगा, तो इसको लिखेंगे यच अपॉन टू, यच अपॉन टू लिखेंगे। तो अगला स्टेप में कर रहे हैं सेक यक्स लिमिट यच टेंस टू जीरो, ये टू भी बचा है, ये टू बाहर आ जाएगा, ये टू जो है हमने बाहर कर दिया, टू को बाहर कर दिया, टू सेक यक्स बाहर हो गया। अब लिमिट यच टेंस टू जीरो और ये साइन यक्स टू यक्स अपान टू मतलब यक्स, और ये हो जाएगा यक्स अपान टू, यक्स अपान टू, यक्स अपान टू, ये टू यक्स अपान टू मतलब यक्स हो गया, यक्स अपान टू मतलब यक्स अपान टू हो गया। फिर बचा ये साइन, ये साइन बचा हुआ है साइन यक्स अपान टू, और ये जो यक्स है ये यक्स है, इसको हम कर दे रहे हैं यक्स अपान टू, और यहां पर भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, यच अपॉन टू किया तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टू बाहर आ जाएगा, ये टू बाहर आ जाएगा, तो ये टू पहले से और ये टू बाद में आया, और सेक यक्स और बचा लिमिट यच टेंस टू जीरो साइन यक्स प्लस यच अपॉन टू, और ये पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू, ये टू तो यहां आ गया, ये पूरा वैल्यू वन हो गया, तो वन वन हो गया। अब ये क्या हो गया, टू अपॉन टू मतलब वन हो गया, टू अपॉन टू मतलब टू अपॉन टू मतलब वन हो गया, कट गया वन हो गया, बचा सेक यक्स, सेक यक्स बचा, और ये बचा ये साइन यच अपॉन टू, ये यच अपॉन टू मिलकर के वन हो गया, ये साइन यच अपॉन टू और ये यच अपॉन टू मिलकर के वन हो गया, और ये टू यहाँ आ गया तो टू अपॉन टू कट के वन हो गया। अब ये बचा सेक यच बचा है और ये साइन, अब हम यच की जगह पर जीरो करें, अब जहां जहां यच है वहां हम जीरो करें, तो साइन साइन यच की जगह पर जीरो हो जाएगा तो बचेगा ओनली साइन यक्स, नीचे बचेगा यक्स की जगह पर जीरो हो जाएगा तो बचेगा ओनली कॉस यक्स, तो सेक यक्स आ गया ये और इनटू साइन अपान कॉस मतलब टेन यक्स होता है, तो सेक यक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक यक्स टेन यक्स, आगे सेक यक्स टेन यक्स।